आप देख रहे हैं हरियाणा टुडे, अपना प्रदेश अपना चैनल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कुरुक्षेत्र में आज राज्य स्तरीय प्रशिक्षण शिविर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देने पहुंचे। यहां पर अरविंद केजरीवाल ने केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 3 साल में दिल्ली में खूब विकास के कार्य हुए हैं, लेकिन हरियाणा में विकास क्यों नहीं हो रहा। 3 साल में दिल्ली में इतने काम करे, इतने काम करे, इतने काम करे, सबसे बड़ा काम करा भ्रष्टाचार कम करा। ये मैं नहीं कह रहा, आज अपने मुंह से तो सारी पार्टियां बोल देती हैं। मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, उनकी एक संस्था है मोदी सरकार की, केंद्र सरकार की एक संस्था है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग। वो केंद्र सरकार की संस्था सर्वे कराती है। उन्होंने पिछले साल जो सर्वे कराया, उस सर्वे में निकल के आया कि 3 साल में आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान दिल्ली में 81% भ्रष्टाचार कम हुआ, 81%। वहीं उन्होंने कहा कि जिस रेट पर दिल्ली में बिजली मिलती है, क्या हरियाणा में नहीं मिल सकती। आपका बिजली का बिल आता है 444 रुपए, हरियाणा में अगर आप 200 यूनिट बिजली इस्तेमाल करते हो, आपका बिजली का बिल आता है 956 रुपए, दुगने से भी ज्यादा आता है। कम करवाना है बिजली का बिल, ये पूछना गांव गांव में जाके कि भैया कम करवाना है बिजली का बिल, पूछना गांव गांव में जाके। बोला एक ही पार्टी कर सकती है, आम आदमी पार्टी। उन्होंने कहा कि आप पार्टी की टीम बनाकर हरियाणा के हर गांव में जाएंगे और उनको बताएंगे कि जब वोट डालो तो राजनीति के सिस्टम को बदलने के लिए वोट डालो, राजनीति बदलने के लिए ही वोट को डालना है, पार्टियां मत बदलना। जिस तरह से दिल्ली के लोगों ने राजनीति बदली है, आज दिल्ली में न जाने कितनी चीजें ठीक हो रही हैं, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, ऐसे हरियाणा में भी बदला जा सकता है। हरियाणा टुडे के लिए कुरुक्षेत्र से कैमरामैन रजत के साथ प्रदीप कुमार की रिपोर्ट।